उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर अली की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रामकोला थाने के कटहरी गांव का रहने वाला बाबर अली बीजेपी का समर्थक था और विधानसभा चुनाव में उसने बीजेपी प्रत्याशी पीएन पाठक के लिए प्रचार किया और उनके चुनाव जीतने पर मिठाई बांटी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। मृतक बाबर का परिवार एक और आरोपी का नाम ले रहा है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। वहीं रविवार की रात और सोमवार की सुबह एडीएम और एएसपी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। लापरवाही सामने आने पर एसओ को लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल बाबर अली की पत्नी ने थाने में ही तहरीर में इस बात का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी समर्थक होने के नाते उनके पट्टीदारी के लोग खार खाए हुए थे। 20 मार्च की शाम करीब 7 बजे उसके पट्टीदार और अन्य लोगों ने उसे मारा पीटा, जिस कारण से बाबर को गंभीर चोटें आई थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने बाबर की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। दूसरी ओर इलाज के दौरान 25 मार्च को बाबर की लखनऊ में मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 304 भी बढ़ा दी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर के परिवार को 2,00,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।